हमारे पास नेक्स्ट है अम्मारुल मुस्तफा। अम्मारुल मुस्तफा की क्लैपिंग हो जाए। अम्मार अपना सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद टॉपिक बताएं क्या है आपका, प्रेजेंटेशन शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मारुल मुस्तफा है और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ। मैंने मतलब इंटरमीडिएट के बाद बस एक शौक था कि कोडिंग करनी है, थोड़ा बहुत पढ़ा था कोविड के अंदर कोविड क्या कोडिंग क्या होती है, तो बस इसी शौक के अंदर ये वेब एंड सलानी का मैंने कोर्स देखा, तो यहाँ पे लोग वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स करवाए, तो मैं इसलिए यहाँ जॉइन किया और फिर यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दो टॉपिक के ऊपर करने हैं मैंने दी थी प्रेजेंटेशन। पहले तो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो सेव कैसे हो रहे हैं मेमोरी के अंदर, और दूसरा ये कि हम कौन से कीवर्ड लगा एरे के साथ कौन से कीवर्ड लगाने के बावजूद उसको मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं। तो पहले इसको देख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाले को। अब फ्लोटिंग नंबर तो हम सबको पता है कि फ्लोटिंग नंबर जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनको फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं। तो कंप्यूटर इन फ्लोटिंग नंबर्स को सेव करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस्तेमाल करता है जिसे IEEE 754 स्टैंडर्ड ही कहलाता है। ये IEEE का जो स्टैंड फॉर मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, और 754 का पता नहीं क्या होता है। तो ये फर्दर मतलब डिवाइड फर्दर वो एक्सप्लेन, इनमें दो फॉर्मेट्स और हैं, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन के ये होता है कि 32 बिट मेमोरी लेता है सेव करने के लिए। इसके अंदर एक मेमोरी एक बिट लेता है साइन, दूसरा और एट बिट्स लेते हैं एक बिट एक्सपोनेंट लेते हैं और बाकी मेंटिसा। अभी साइन एक्सपोनेंट मेंटिसा मैं इनको आगे फर्दर वो एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा होता है डबल प्रिसीजन। डबल प्रिसीजन ये होता है कि ये 64 बिट्स लेता है सेव करने के लिए, मतलब अगर फ्लोटिंग पॉइंट को सेव करने 64 बिट्स लेता है। इसके अंदर भी एक बिट साइन लेगा आपका और बाकी 11 बिट्स एक्सपोनेंट लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स बचे 52 बिट्स वो मेंटिसा लेगा। तो अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं सर। आप इनके डिफरेंस है सिंगल प्रिसीजन, जैसा बताया 32 बिट सेव मेमोरी लेता है सेव होने के लिए। ये थोड़े सिंपल प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होता है और थोड़ा लेस एक्सपेंसिव भी होता है। और इसके बाद डबल प्रिसीजन ये 64 बिट्स लेता है सेव होने के लिए, और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और थोड़ा वैरी भी करता है इससे, मतलब इसके एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हैं। अब हम इस बात करते हैं साइन एक्सपोनेंट और मेंटिसा। तो साइन बिट जो करता है इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू है हमारे पास बाइनरी वो या फिर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। अगर नंबर के आगे की जो हमारी जो नंबर है उसके सबसे पहले जीरो होगा तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर हमारे पास वन होगा सबसे पहले तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारी वैल्यू नेगेटिव है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये नंबर है कि ये 2 की पावर होता है, ये मेंटिसा से मल्टीप्लाई करता है, ये साइन और मेंटिसा के बीच में होता है। सिंगल प्रिसीजन में ये 8 बिट लेता है सिर्फ होने के लिए, और डबल प्रिसीजन के अंदर ये 11 बिट लेगा। और मेंटिसा के बारे में बता देता हूँ, मेंटिसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, मतलब जो पॉइंट होता है ना जैसे 3.42 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होंगी 42 ये मेंटिसा कहलाती हैं। ये मेमोरी में सेफ होने की सिंगल प्रिसीजन के अंदर तो 32-23 बिट लेंगी, लेकिन डबल प्रिसीजन के अंदर 52 बिट्स लेती हैं सेफ होने के लिए। अभी स्लाइड आ गई, ये एक एग्जाम्पल भी जैसे ये यहाँ पे जीरो है, ये सिंगल प्रिसीजन की एग्जाम्पल है, ये जीरो है पहले नंबर पे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वैल्यू ये पॉजिटिव है। इसके बाद ये 8 बिट एक्सपोनेंट को इंडिकेट कर रहे हैं बाकी मेंटिसा को। अब एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 3.1415 और इसके जो कन्वर्जन है ये इसके कन्वर्जन है पूरी। तो सबसे पहले इसकी देख सकते हैं ये जीरो है तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव नंबर है, बाकी ये 8 बिट्स एक्सपोनेंट को इंडिकेट कर रहे हैं और ये बाकी 23 बिट्स मेंटिसा को। अगर हम इसको प्रूफ करने के लिए कहीं यही नंबर है जो कन्वर्जन हुई है तो इसके एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वैल्यू 3.48 है। तो साइन की वैल्यू तो हमारे पास जीरो थी, हमने जीरो पुट कर दिया। फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू, वो एक्सपोनेंट को हमने एक्सपोनेंट को कन्वर्ट किया 128, इसका मतलब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया तो 128 होता है। बाकी मेंटिसा की वैल्यू हमने सेम पुट कर दी तो ये बाकी टू कैलकुलेशन के बाद वही आंसर आ रहा है कि 3.145, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और अगर थोड़ी हमें एक और स्लाइड पर आएगा, ये देख लें कि फ्लोट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होते हैं।
सबसे पहले तो उसका जो इंटीजर पार्ट होता है, मतलब जो पॉइंट की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। वो सर ने एक मेथड बताया था हमें, तो उससे अगर हम करें तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ना आ जाए, मतलब 0 ना आ जाए। और जो हमारे पास उसका इंटीजर पार्ट होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हम सेव करते रहेंगे। सर भी बताइएगा, ये देखें जैसे ये इंटीग्रल पार्ट है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जो पॉइंट के बाद जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास इसको फिर स्लाइड होना होगा। ये रहे इसकी एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया 10.75, तो पहले हमने 10 को कन्वर्ट किया यहाँ पे बाइनरी के अंदर, फिर हमने फ्रैक्शनल पार्ट को किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1.50 आया, तो हमने 0.50 को बाद में मल्टीप्लाई करवाया वापस 2 से, और जो 1 वैल्यू थी ना हमने इसको सेव कर लिया, फिर हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई, तो हमने उन दोनों को ये इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आपस में ऐड करवा लिया, तो ये हमारे कन्वर्जन आ गए। ये यहीं तक था, और कुछ इसके बाद एक और टॉपिक था हमारे के बाद हमारे पास एक कॉन्स लगाने की बट लगाने के बावजूद हम एरे को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो एरे होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, मतलब ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड उसके साथ लगाते हैं ना, तो हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि वो ये डिक्लेयर कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट को बता रहा होता है कि इसका जो रेफरेंस है ना वो कॉन्स्टेंट हो रहा है, लेकिन उसका जो अंदर का कॉम्पोनेंट है वो कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल से बताते हैं आगे। ये यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक कॉन्स के उससे कीवर्ड से हमने एक एरे बनाया 1, 2, 3, फिर हमने जब इसको मॉडिफाई करना चाहा करना कोशिश की इंडेक्स से चलिए, तो ये आउटपुट जो हमारे पास आया वो मॉडिफाई हो गया, लेकिन जब हमने पूरा पूरा एरे को उसके अंदर हमने पूरा एक एरे के अंदर रिप्लेस करवाने की कोशिश करी, तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि ये हम इसके रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ये माय एरे ये एक रेफरेंस है इसके लिए, ये जो एरे है इसके लिए एक रेफरेंस है, ये मेमोरी में जाके इसके एड्रेस हो गया, मतलब इसकी शनाख्त हो गई, अब हम इसके अंदर दूसरा एरे इसको सेव नहीं करवा सकते। तो ये कौन सा था, थैंक यू।